हे एवरीवन, वेलकम टू एशाज यंग आईएएस। अब हम कर रहे हैं मराठी। मराठी का सेकंड चैप्टर संतवाणी आ। तो इसमें संतवाणी अ हमने ऑलरेडी कवर किया है, अंकिला मी दास तुझा, जो लिखा था संत एकनाथ ने। अब ये संतवाणी आ है, योगी सर्वकार सुखदाता। तो ये लिखा है संत एकनाथ ने। संतवाणी का क्या मतलब होता है? संत मतलब सेंट्स, तो संत एकनाथ है, संत तुकाराम, संत नामदेव। तो ये संत की वाणी, वाणी मतलब उनकी बोली, तो संत वाणी है ये। योगी सर्वकार सुखदाता, इसका क्या मतलब होता है? योगी मतलब योगी पुरुष, सेंट्स। और सर्वकार मतलब सर्व, मतलब हमेशा, सर्व सर्व सब। काल मतलब टाइम, तो एवरी टाइम हर बार मतलब हमेशा। सुखदाता सुख देने वाला, मतलब सुखदाता है तो खुशी देने वाला। तो ये योगी सर्वकार सुखदाता। तो ये इसके संतवाणी का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते। भागवत संप्रदायातील थोर संत कवि, मतलब संत एकनाथ जो थे वो भागवत संप्रदाय जो हिंदू रिलीजन है उसके थोर महान संत कवि थे, कवि पोएट। तो 16व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक। 16व्या मतलब 16वे शतक मतलब सेंचुरी। तो 16 सेंचुरी में महाराष्ट्र में जो सांस्कृतिक कल्चरल जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे उनके ये मेन जो थे, मतलब कल्चरल इम्प्रोवाइजेशन हो रहा था, महाराष्ट्र इम्प्रूव हो रहा था, और उसमें ये मेन जो कर्ता धर्ता थे, प्रवर्तक थे, जो इसको आगे ले जा रहे थे। एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण, तो ये सारे इनके लिखे हुए काम है, जो लिटरेचर है उनके नाम है, इत्यादि मतलब एक्सेट्रा। ग्रंथ मतलब ग्रंथ, किताबें, स्टोरीज, अभंग, आख्याने, गौणी, पदे, भारुदे, अशी त्यांची बहुआयामी लेखन संपदा है। तो ये सब लेखन के अलग अलग स्टाइल्स है। तो ये सब उन्होंने, जैसे हम समझते हैं सिर्फ प्रोज पोएट्री और रैपिड में हम पढ़ते चैप्टर्स, लेकिन काफी सारे जो है रंग होते साहित्य से। ये आपका और एक चैप्टर भी है मराठी बुक में। तो ये जो है वो अलग अलग टाइप के उन्होंने लिटरेचर लिखे, तो बहुआयामी मतलब काफी सारे, बहु मतलब बहुत सारे, बहुआयामी, या बहु देखो फिर से आता है, मतलब वो बहुत सारे, उनके पास ऐसे टैलेंट था, वो बहुत सारे अलग अलग लिटरेचर फॉर्म्स में वो लिखते थे। लेखन संपदा है, तो इनकी ये सब लेखन संपदा है जो कलेक्शन है पूरा। बहुश्रुतता, बहुश्रुतता का क्या मतलब होता है हम यहाँ देखेंगे। ये देखो, बहुश्रुत मतलब नॉलेज ऑन मेनी सब्जेक्ट्स। तो इनको, संत एकनाथ को काफी सारे सब्जेक्ट्स पे नॉलेज थी। बहु मतलब जैसे हम एक वचन बहुवचन करते, बहु मतलब मेनी, तो बहुश्रुतता थी। समन्वयशीलता, समन्वय मतलब क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है जो कोऑर्डिनेट कर सके, मतलब बहुत सारी चीजों पे नॉलेज है और बहुत सारों को मेल जोल के वो एक ना प्रेजेंट कर पाते थे। समन्वयशीलता ये उनके पास स्किल था। सामान्यांच्या उद्धाराची तळमळ, मतलब जो सामान्य लोग है, जो ऑर्डिनरी पीपल है, उनके उद्धार, उद्धार मतलब उनको ऊपर लाने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए उनकी हमेशा कोशिश, नो बेचैनी उनकी रहती थी, वो कोशिश करते रहते थे। आलंकारिकता, अलंकार जैसे हम सीखते हैं अलंकार, तो जो स्टेटमेंट्स को, जो लैंग्वेज को और नो ब्यूटिफुल बनाता है, तो अलंकार करना मतलब श्रृंगार करना जैसे होता है, तो ये लिटरेचर को अलंकार, तो उनके पास ये अलंकारिकता थी। उनकी जो राइटिंग है वो काफी ब्यूटीफुल है। पौराणिक कथा संदर्भ, मतलब पौराण मतलब के जो हिंदू धर्म के पुराण जो किताबें हैं, जो उनकी कथा, जो उनकी स्टोरीज है, उसका संदर्भ लाके वो लिखते थे। तो उनका उनका कनेक्शन लाके वो लिखते थे, उस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखते थे। सुबोधता, सुबोधता का क्या मतलब होता है? सुबोध मतलब इंटेलिजिबल, मतलब सुबोध मतलब जो बोध, बोध मतलब जैसे बुद्धि, दिमाग, तो सु मतलब अच्छा, तो अच्छी चीजें जो है, जो हमको समझना चाहिए, जो समझने लायक है, इंटेलिजेंट है जो, तो सुबोधता। हे संत एकनाथांच्या काव्याचे प्रमुख विशेष होते, तो ये सारे जो है ये एडजेक्टिव्स है, तो ये सारे डिस्क्राइब करते हैं संत एकनाथ की काव्य, मतलब जो उनके पोएम्स है, जो काव्य है उसके ये प्रमुख मतलब मेन विशेष, मतलब मेन जो फीचर्स थे। तो ये उनका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम जो संतवाणी है उसका भी इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये आप लोग को लगेगा कि ये क्यों हमने डिस्कस किया, इसमें टाइम वेस्ट होता है इंट्रोडक्शन का, लेकिन इसमें भी जो वर्ड्स मिलते हैं उससे हमारी मराठी की वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, तो इसलिए ये भी करना अच्छा है। अब है, प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा ही श्रेष्ठ आहे हे विविध दृष्टांतून संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे। इसका क्या मतलब हुआ कि इस अभंग में, प्रस्तुत मतलब दिस, इन दिस अभंग,
योगी पुरुष, योगी पुरुष जो होते संत होते, सेम्स होते जो, वो और पानी, आणि मतलब एंड, पानी मतलब वाटर पानी, तो योगी पुरुष और पानी की तुलना, तुलना मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन किया गया है। और क्या बताया गया है करके, ये बताया गया है कि योगी पुरुष ये पाण्यापेक्षा मतलब पानी से ज्यादा श्रेष्ठ मतलब बेटर है, तो वो पाण्यापेक्षा ही श्रेष्ठ है। ये विविध, विविध मतलब डिफरेंट, दृष्टि मतलब नजर, तो अलग अलग नजरिए से विविध दृष्टांतों संत एकनाथ यानी स्पष्ट के लिए आए, स्पष्ट मतलब क्लियर करना, तो ये उन्होंने क्लियर किया है। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स इजीली कवर हो जाएंगे, और ये पूरा कोर्स 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा। हमारे जो इस दो पैटर्न्स में कोर्सेज बनाए गए, एक है स्टिमुलस कोर्स और एक है बूस्टर कोर्स। तो आपको अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशंस की जरूरत है तो हमारे स्टिमुलस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हेल्प की जरूरत है तो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ आप साइंस कर सकते हैं जिसमें साइंस वन साइंस टू दोनों कवर होगा। सेकेंड कोर्स है बूस्टर कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनना, सिर्फ डाउट क्लियरेंस करना या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर आपको हम वीडियो पे बता दें उससे आपकी तैयारी पूरी नहीं होती, आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो अब शुरू करते हैं संतवाणी। जेवी चंद्र किरण चकोरांसी, मतलब जेवी मतलब होता है जैसे, ज्या प्रमाण, तो जैसे चंद्र किरण चकोर के लिए। चकोर क्या होता है, हमने इवन संतवाणी अ में देखा था अंकिलामी दास तुझा, चकोर एक काल्पनिक पक्षी है जो माना जाता है कि चंद्र किरण पी के वो जिंदा रहता है, उसके ऊपर वो जिंदा रहता है, तो ये काल्पनिक पक्षी है, सच में नहीं रहता होता। तो जैसे चंद्र किरण चकोर के लिए मतलब जैसे उसका जिंदा रहने का जो मकसद, जो चीज है वो उसको चकोर को जैसे चाहिए। पंखोवा जेवी पिल्यांसी, जैसे पंख है, पंख मतलब पंखोवा मतलब कि पंख, पक्षीणी के पंख, तो जो पंखोवा जैसे पिल्यांसी, पिल्ली भी हमने लास्ट संतवाणी में देखा था मतलब पक्षी के बच्चे, तो उनके लिए जैसे पंख है। जीवन जैसे का जीवांसी, जीवन का यहाँ मतलब बोला गया है पानी से, और जीव मतलब के प्राणी, जीवन पानी, पानी बोला गया, जीवन मतलब लाइफ होता है लेकिन यहाँ पे इस जीवन का कंटेक्स्ट एक्चुअली पानी को माना गया, तो जैसे जीवन है जीव के लिए, तो जिंदा जैसे हमको रहना है, जीव को प्राणी को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, जैसे उनके लिए पानी है या जीव जीवन है, वैसे ही तेवी सर्वांसी मृदुत्वता, तो वैसे ही जो है सर्व मतलब सबके लिए, वैसे ही सबके लिए मृदुत्व, मृदुत्व का मतलब होता है सॉफ्टनेस, मऊपणा, तो जो सॉफ्टनेस है, जो योगी पुरुष की जो सॉफ्टनेस है, जो उनका मुंह पड़ा है, वो सबके लिए जरूरी है, जैसे चंद्र किरण चकोर के लिए है, जैसे पंख पिल्लियों के लिए है, जैसे जीवन जीव प्राणियों के लिए है, वैसे ही सबके लिए मृदुत्व जरूरी है जो योगी पुरुष से हमको मिलता है। जल वड़ी वड़ी शाड़ी मर, मतलब क्या हुआ, जल का मतलब होता है जड़ पानी, तो वो वरी वरी, वर का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, शाड़ी मतलब वॉश करना, धोना, धुने, और मल मतलब मैल, डर्ट, तो मल, तो जो जल है पानी है वो ऊपर ऊपर से मैल साफ करता है। योगिया सबाह्य करी निर्मल, तो योगी पुरुष जो है वो सबाह्य, सबाह्य मतलब के अंदर से भी और बाहर से भी, इनसाइड आउट, आतून व बाहिरून, आत बाहर, ये भी ऑपोजिट से विरुद्धार्थी शब्द है मराठी में, आत मतलब अंदर, बाहर मतलब बाहर, तो सबाह्य मतलब अंदर बाहर से करी निर्मल, निर्मल का मतलब होता है शुद्ध, प्योर, क्लीन करना, प्योर करना, तो ये जो है ये बताया गया है कि कैसे जल से योगी पुरुष श्रेष्ठ है। जल तो ऊपर ऊपर से सिर्फ मैल निकालता है, योगी पुरुष जो है वो अंदर बाहर से हमको प्योर करते हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो हम जो उनसे सीखते हैं वो हमको अंदर बाहर से प्योर करती है, क्लीन करती है। उदक, उदक का मतलब होता है पानी। उदक सुखी करी एक वेर, मतलब जो पानी है वो हमको सुख देती है, देती है बिल्कुल देती है, लेकिन कब, एक वेर, जब हमको प्यास लगती है हम पानी पिएंगे हमको सुख मिलेगा। योगी सर्वकार सुखदाता, योगी जो है वो हर टाइम, हमेशा, हर टाइम, सर्व मतलब सब, कार मतलब टाइम, हर टाइम सुखदाता, सुख देने वाला है, तो योगी पुरुष की बातें जब हम सीखेंगे, उनसे जो हम सीखते हैं वो हम हमारे अंदर वो आ जाती है बातें, तो वो हमेशा के लिए हमको सुख देगी। योगी सर्वकार सुखदाता। उदकांचे सुख ते किति, मतलब उदक मतलब जैसे हमने ऑलरेडी देखा पानी, तो उसका सुख कितना है, सुख ते किति, सवेंची क्षणे तृषिते होती, मतलब के सवेंची मतलब के खुद की, स्वत, सेल्फ,
क्षण, मतलब कुछ क्षण के लिए जो तृषित, मतलब जो हमारी तहान है, हमारी जो प्यास है, थर्स्ट है, वो कुछ क्षणों के लिए जो होती है वो जाती है, क्योंकि हम प्यास रखते हैं, हम पानी पिएंगे, लेकिन हमको बाद में फिर से प्यास लगेगी, हमको फिर से पानी चाहिएगा। तो योगिया दे स्वानंद तृप्ति, तो योगी पुरुष है वो हमको क्या देते हैं, स्वानंद तृप्ति, मतलब स्व मतलब खुद, स्वानंद आनंद मतलब सेल्फ, खुद की हैप्पीनेस, और कैसी हैप्पीनेस, सेटिस्फाइंग, तृप्त मतलब समाधान जो देता है, सेटिस्फेक्शन जो देता है, तृप्ति समाधान, तो स्वानंद तृप्ति हमें देते हैं, योगिया दे स्वानंद तृप्ति, सुखासी विकृति पै नाही, मतलब सुख में, ये सुख में जो योगी पुरुष से हमको सुख मिलते हैं उसमें विकृति नहीं है, विकृति पै नाही, मतलब कि विकृति नहीं है, चुकी चे वागुण, कुछ गलत नहीं है, कभी कभी हम कुछ गलत करते हैं तो हमको कुछ समय के लिए जो सुख मिलता है, ऐसे कुछ कर लिया हमको, कुछ मन किया, जैसे कुछ भी आपने पढ़ाई छोड़ के आपने गेम खेल लिया, तो आपको कुछ क्षणों के लिए वो खुश देगा, खुशी देगा, आपको मजा आया, लेकिन उसके बाद आपको बुरा लगेगा, आपने गलत किया, अपना काम छोड़ के आपने टाइम वेस्ट किया, जो भी, जब आपका खेलने का टाइम, ऑफकोर्स आप खेलोगे, लेकिन आप जब चीटिंग करते हो पढ़ाई के टाइम में भी आप खेल करते हो, तो उस बात है जो वो विकृति होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है लेकिन वो चुकी चे वागणूक होता है। तो सुखासी विकृति पै नाही, जो योगी पुरुष से हमको स्वानंद तृप्ति मिलती है उसके अंदर कोई विकृति, रॉन्ग बात नहीं होती, उसमें वो सुख जो होता है वो स्वानंद तृप्ति देता है। यहाँ पै का मतलब है बड़े का, मतलब वेल, जैसे हम बोलेंगे आई हैव डन माई वर्क, वेल आई हैव डन माई वर्क, तो वेल से कोई स्पेशल एडिशन नहीं होता, पर एक लैंग्वेज का बोलने का स्टाइल है। तो सुखासी विकृति पै नाही, मतलब सुख में विकृति नहीं है, वेल नहीं है, ऐसे। उदकाची जे मधुरता, मधुरता मतलब मधुर, जैसे मधुर संगीत होता है, स्वीट, गोड़पना, तो उदक की जो मधुरता है, जो पानी की जो स्वीटनेस है, ते रसने सिंची तत्वता, मतलब के जो पानी की मधुरता है, रसना मतलब होता है, जैसे हम रसना ड्रिंक पीते हो, वो एक्चुअली रसना का मतलब होता है जीभ, टंग, हमारी जबान, तो रसना जो है उसको तत्वता देती है, मतलब जो पानी है उससे हमको क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमको जीव का सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको प्रिंसिपली मतलब आदर्श, तत्व मतलब आदर्श, प्रिंसिपल, तो मेनली मतलब जो है उदकाची मधुरता वो सिर्फ जबान के लिए है, मेनली प्रिंसिपली जबान के लिए है। योगियांची गोड़पण पाहता, मतलब जो योगी का गोड़पण है, उनका जो स्वीटनेस है, होय निवृत्ति निवृत्ता सर्वेद्रिया, मतलब के जो योगी का गोड़पण है वो देखो, वो उससे क्या होता है, निव्विता, निव्विता मतलब के निविणे मतलब संतुष्ट करता है, मतलब सेटिस्फाई करता है, किसको, होए निव्विते सर्वेंद्रिया, सर्व मतलब सब, इंद्रिया का मतलब होता है सेंसेस, जैसे हमारे काफी सारे सेंस ऑर्गन्स है, जबान एक है, टेस्ट एक है, टच है, स्मेल है, देखना है, सुनना है, सिक्स सेंस भी आप बोलो, तो जो भी सारे सेंसेस है, सर्व इंद्रिया को वो सेटिस्फाई करते हैं, कौन, योगी पुरुष का गोड़पण। तो पानी की मधुरता सिर्फ जबान के लिए है, लेकिन योगी पुरुष का गोड़पण सारे इंद्रियों के लिए, सारे सेंसेस के लिए है। मेघ मुखे अधपतन, मेघ मतलब बादल, क्लाउड, मुख मतलब मुंह, फेस, चेहरा, तो मेघ का चेहरा जब अधपतन होता है, अधपतन का मतलब होता है खाली येणे, नीचे आना, खाली का मराठी में मतलब होता है नीचे, डाउन, वर और खाली ये विरुद्धार्थी शब्द है, वर मतलब ऊपर, खाली मतलब नीचे, तो मेघ मुखे अधपतन, जब मेघ मुख नीचे आता है, उदकाचे देखोनी जान, उदक मतलब हमने ऑलरेडी कई बार ये पोयम संतवाणी में देख लिया, उदक मतलब पानी होता है, तो उदकाचे देखोनी जान मतलब जब पानी हमको दिखता है उसकी नॉलेज हमको मिलती है, देख के हमको पानी की नॉलेज मिलती है, जब बादल नीचे आते हैं तो पानी उस लाता है, तो वो उदकाचे देखोनी जान, अध पाते निवति जन, ये जो बादल पानी नीचे आया है उससे निवति, निवति मतलब निवणे मतलब के जो है हमको ठंडा करने वाला, निवने मतलब शीतल होने वाला, शीतल करने वाला, शीतल होने, निवणे मतलब कूल होने वाला, तो अध पाते निवति जन, जन मतलब लोग, पीपल, तो ये पानी नीचे आने से हम जो है लोग जो है वो ठंडे हो जाते हैं, उनको कूलनेस मिलती है। अन्नदान सकड़ांसी, मतलब के अन्नदान मतलब अन्न, फूड ग्रेन्स, जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं पानी से ही, क्रॉप्स ग्रो होते हैं, सकड़ांसी मतलब के सर्वांसी, सकड़ांसी मतलब सबके लिए है, तो
तो वो पानी नीचे आता है, लोगों को ठंडा करता है और सबको अन्न देता है। तैसे योगियासी खालुती येने, वैसे ही योगी का नीचे आना भी है। तो योगी खाली नहीं आते हैं, ये जे इह लोक की जन्म पावने, जो इह लोक मतलब कि इस लोक, जैसे काफी अलग अलग लोक है, जैसे हम कोई मर जाता है तो कहते हैं परलोक सिधार गए, तो ये लोक छोड़ के चले गए, मतलब दुनिया छोड़ के चले गए। तो जे ये लोक, इह लोक मतलब ये इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, जे इह लोक की जन्म पावने, जब उन्होंने इस लोक में जन्म लिया है जो योगी पुरुष ने, तो वो भी खाली आ रहे, उनका भी जन्म हुआ है तो वो भी नीचे आ रहे, जैसे बादल नीचे आते हैं वैसे योगी नीचे आते हैं। तो क्या होता है, जन निव्वी श्रवण कीर्तने, जन मतलब हमने ऑलरेडी देखा लोग, निव्वी मतलब ठंडे होते हैं, किससे, योगी के श्रवण कीर्तन से, जो वो कीर्तन करते हैं, जो वो अपनी बातें बताते हैं, जो लोगों को वो सिखाते हैं सही बातें, सही राह, सही मार्ग बताते हैं, सही तरीका बताते हैं, तो उससे जो है लोग ठंडे होते। निज न्याने उद्धरी, मतलब निज मतलब निजी, जैसे हम कहते हैं मेरा निजी मामला है, मतलब खुद का, निज मतलब पर्सनल प्राइवेट, तो निज ज्ञान मतलब खुद का सेल्फ नॉलेज। निज ज्ञाने उद्धरी, उद्धरी होना मतलब उद्धार होना, अपलिफ्टमेंट होना, तो निज ज्ञाने लोगों का उद्धार होता है। तो ये हो, तो जो बारिश का पानी है उससे लोग ठंडे होते हैं, हमको फिजिकल ठंडक मिलती है और हमको खाना भी मिलता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। लेकिन जब योगी पुरुष नीचे आते हैं और जो वो हमें सिखाते, जो उससे उनसे जो हम सीखते, जो हमें निज ज्ञान मिलता है, उससे हमारा जीवन जो है, जीवन जीने का सही तरीका पता चलता है, जीवन का मायने समझ में आता है, और वो जो है वो पानी से काफी ज्यादा जो जरूरी है, मतलब फिजिकल है लेकिन हमारा जो इमोशंस, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल है वो जो है वो फुलफिल होता है योगी पुरुष से। वो हमको वो निव्वी जो है वो हमको कूलनेस वो देते हैं। तो आपको खाना वगैरह सब अच्छा मिलेगा, लेकिन जब आपको मन की शांति नहीं होगी तो आप सही जीवन नहीं जी सकते। तो इसीलिए योगी पुरुष जो है वो उदक से काफी और बहुत श्रेष्ठ है, तो वो इस संतवाणी में हमको समझाया गया है। तो यही है, थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स।